आइए आपको लेकर चलते हैं शासकीय विधि महाविद्यालय, जहां गांधी जयंती के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बापू की जयंती के अवसर पर शहर में अलग अलग प्रकार के आयोजन के द्वारा बापू को याद किया गया, तो शासकीय विधि महाविद्यालय में वृक्षारोपण करके बापू को श्रद्धांजलि दी गई। वृक्षों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। वृक्ष प्रदूषण के स्तर को कम करके हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। विधि महाविद्यालय द्वारा गांधी जयंती पर आयोजित वृक्षारोपण के द्वारा जीवन में वृक्षों की उपयोगिता समझाई गई। सर थोड़ा इधर देख लीजिए, नहीं वो आ जाएगी सिंह। जैसा बेटा कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जैसा कि हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने का निर्देश है, उसी कार्यक्रम में इस साल भी शासन का ऐसा आदेश आया था कि 7 दिवसीय कार्यक्रम जो है गांधी जयंती के अवसर पर किया जाए। और आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में यानी कि गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार उन लोगों का साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसमें बच्चों से या बच्चों के माध्यम से अपन जो है प्रतियोगिता का आयोजन गांधी जयंती के अवसर पर मध्य निषेध के संबंध में कार्यक्रम, बच्चे व्यवस्था से कैसे दूर रह सकते हैं, इसी घड़ी में बच्चों द्वारा निबंध लेखन का प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन की प्रतियोगिता एवं पोस्टर का जो है कार्यक्रम आयोजित है आने वाले हफ्ते में। विधि महाविद्यालय रीवा में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज पौधेरोपण का आयोजन हुआ और सभी अध्यापकों ने, हमारे प्राध्यापक ने और छात्रों ने मिलकर पौधारोपण में अपना पुरजोर सहयोग दिया और इसको सफल बनाया। गांधी जयंती की खुशी तो होती भी है, पर एक दुख सा बना रहता है, क्योंकि जिस भारत की कल्पना गांधी जी ने की थी उस भारत का सपना साकार नहीं होता दिखता। इसी उपलक्ष्य में एक शेर याद आता है, मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे कि गांधी का ईमान बिका सस्ते में, गांधी का ईमान बिका सस्ते में, यानी हिंदुस्तान बिका सस्ते में, गांधी का ईमान बिका सस्ते में, यानी हिंदुस्तान बिका सस्ते में, बाबा सैगल का कैसेट महंगा है और गालिब का दीवान बिका सस्ते में।